बाबा बागेश्वर को लेकर एक नया वीडियो अब सामने आया है। जो नया विवाद है बाबा बागेश्वर को लेकर, वो नया ये वीडियो नया विवाद खड़ा करने वाला है। कल जब धीरेन्द्र शास्त्री रात में चार्टर प्लेन से पटना से रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो बेकाबू भीड़ रनवे तक पहुंच गई। ऐसा लग रहा था कि एयरपोर्ट नहीं किसी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन हो। नियम तोड़कर बाबा के समर्थक बिल्कुल विमान तक पहुंच गए थे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये पटना के एयरपोर्ट की नहीं, एयरपोर्ट के अंदर रनवे की तस्वीरें हैं, जहां पर ये पूरी भीड़ बागेश्वर बाबा को छोड़ने के लिए पहुंच गई। बड़ा सवाल ये, सुरक्षा के इंतजामों के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट के रनवे तक कैसे पहुंच गए? देखिए, सबसे हाई सिक्योरिटी जोन में से एक होता है और इससे इस पर सवाल एयरपोर्ट सिक्योरिटी, साथ ही साथ धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में जो सिक्योरिटी मैनेजर्स होंगे, जो उनके लोग होंगे, उन पर भी एक बड़ा सवाल उठता है। ये कोई बड़ा प्लेन नहीं है कि कोई पैसेंजर एयरक्राफ्ट है जो 200 या 400 यात्री वाला होता है, जिसमें बाकी पैसेंजर्स भी जा रहे हो, तो अगर कोई एक सेलिब्रिटी हो और घेर ले। आप ये देखिए, ये चार्टर्ड प्लेन है, यानी कि इसमें ज्यादा से ज्यादा 8, 10 या 15 लोग होंगे और वो सब के सब अंदर जा चुके हैं। यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री को छोड़ने के लिए जो लोग आए थे वही लोग अंदर तक पहुंच गए। ये टारमैक तक पहुंच जाने का मतलब साफ है कि सुरक्षा के इंतजामों का ख्याल नहीं रखा गया और कई नियम ताक पर रखे गए। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में प्रकाश, हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। प्रकाश, ये जाहिर सी बात है कि एक चार्टर्ड प्लेन है, इसका मतलब साफ है कि जो लोग छोड़ने आए थे वो अंदर टारमैक तक पहुंच गए। एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है वो एजेंसियां पूरी तरह से फेल हो गई। किसकी जिम्मेदारी यहां पर, कौन दिख रहा है, क्या किसी तरह की FIR भी रजिस्टर की गई है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक देर शाम चार्टर्ड प्लेन से जो बाबा हैं वो पटना से रवाना हो गए। ठीक उसके पहले की ये तस्वीर है, जब वो चार्टर्ड प्लेन में जब जा रहे थे अंदर, तो उस वक्त जो भीड़ है उनकी दीवानगी जो है वो इस कदर छाई हुई थी कि हर किसी के हाथ में आप देखेंगे या तो मोबाइल कैमरा है, कोई सेल्फी ले रहा है, लेकिन उसी कैमरे से अगर आप दूर देखें तो आपको कई सारी बसें नज़र आएंगी जो प्राइवेट एयरलाइंस है, जहाँ से लोग अपने जो एयरपोर्ट होता है, जहाँ से एंट्री गेट होती है, उसके बाद फिर जब टर्मैक पर जो जाते हैं तो बस से जो एयरलाइंस तक पहुँचने का जो जरिया होता है वो भी पीछे दिख रहा है। यानी कि ये टर्मैक है जहाँ पर से शुरू हो जाता है, और इसमें जितने भी लोग दिख रहे हैं वो कुछ लोग तो आपको CISF के भी लोग दिख रहे हैं जो सिक्योरिटी वाले हैं, कुछ बिहार पुलिस वाले भी दिख रहे हैं, क्योंकि वो वर्दी यही बताता है कि इनके सिक्योरिटी में जो लोग लगे हुए थे वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्हें किसी तरह से भीड़ से बचाते हुए चार्टर प्लेन की तरफ ले जा रहे थे। पर सच में ये सवाल उठता है कि आखिर इतनी भीड़ वहाँ पर कैसे पहुँच गई? अगर वो यात्री ही थे, किसी दूसरे प्लेन में जा रहे थे, तो फिर इस जगह पर वो कैसे पहुंच गए? क्योंकि ये डिसिप्लिन बना हुआ है, ये जो नियम बना हुआ है कि कैसे यात्रियों को कहाँ जाना है, कैसे बस तक जाना है, तो ये सब सिस्टम होता है, तो ये पूरा सिस्टम जो है वो टूट चुका है। और उसी का नतीजा है कि जो वीडियो है वो अगर आप गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे एंट्री लेवल से लेकर के चार्टर प्लेन तक जाने तक कितनी भीड़ है, कितना हंगामा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि चार्टर प्लेन पार्किंग में लगा हुआ हो, बल्कि वहाँ पर लोग जो है पहुँच गए हों और किसी तरह से, जैसे आप देखते होंगे कि स्टेशन में या फिर बस स्टैंड पर जो रिश्तेदार होते हैं, मित्र होते हैं, वो छोड़ने जाते हैं, ठीक उसी तरह से रनवे तक, टर्मैक तक लोग पहुँच चुके हैं। तो जाहिर है कि ये जो घटना हुई है ये बड़ी बात है कि कैसे बाबा के साथ इतने लोग को छूट मिल गई और ये जो हंगामा दिख रहा है ये कैसे हुआ? आखिर पिछले 5 दिनों से लगातार बिहार की राजधानी पटना में बाबा यहाँ थे, 5 सितारा होटल से वो नौबतपुर जहाँ पर इनका कार्यक्रम था वहाँ तक जाते थे, तो आपने देखा कितनी भीड़ नजर आती जी। प्रकाश, नजर बनाकर रखिए, आखिर इस पूरे घटनाक्रम पर आगे क्या कार्रवाई होती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से या CISF की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है? लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे।